दोस्तों ये बात तो आप जानते होंगे कि भारत की तरफ से तैयार किए गए तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन की सप्लाई में अमेरिका ने करीब एक साल से भी ज्यादा का डिले कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस से भारत के लिए काफी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस की जानी मानी बड़ी डिफेंस कंपनी यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन की तरफ से फाइनली एक ऐसा इंजन तैयार किया जा चुका है जो कि भविष्य में भारत के अलग अलग विमानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी खबर, भारत की जानी मानी कंपनी आजाद इंजीनियरिंग की तरफ से जापान के मित्सुबिशी के साथ एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप की गई है, सो दैट भारत के अंदर एडवांस गैस एंड थर्मल पावर टर्बाइन इंजन्स को डेवलप किया जा सके। तीसरी अपडेट, भारत के दो कट्टर दुश्मन यानी कि पाकिस्तान और तुर्की से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने जैसे ही इन दोनों देशों को ब्रिक्स से रिजेक्ट किया, अब इन देशों ने आपस में हथियारों को शेयर करना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान तो गरीब है, लेकिन तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को बड़े और आधुनिक हथियार एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। चौथी खबर, भारत चीन और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जैसे ही ट्रंप पावर में आए हैं, अब चीन के हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं और इसका डायरेक्ट बेनिफिट भारत को मिलेगा। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले रूस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो रूस की जानी मानी कंपनी यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन की तरफ से चाइना के जुवई एयर शो के अंदर अपना SEF जिसे हम सुखोई एम्ब्रे फाइटर लड़ाकू विमानों के लिए एक नए AL-31FN इंजन का इंट्रोडक्शन कराया है। इसके कई प्रोटोटाइप रशिया की तरफ से डेवलप किए जा चुके हैं और अब रशिया इसके मास प्रोडक्शन की तरफ स्विच होने वाला है, क्योंकि इन इंजन्स का इस्तेमाल अब अलग अलग विमानों में किया जाएगा और यही सेम इंजन भारत भविष्य में जिन HLFT-42 विमानों को तैयार कर रहा है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले अगर इस इंजन की डिटेल्स की बात की जाए तो AL-31FN के थ्रस्ट क्षमता करीब 12.7 टन फोर्स तक है, जो इसे अलग अलग विमानों के लिए उपयुक्त बनाती है। इसके अलावा इसके थ्रस्ट को 13.7 यानी कि करीब करीब एक डिजिट और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जो इसकी ताकत को और एनहांस करने वाला है। साथ ही साथ इसके डिजाइन को इजिली कस्टमाइज किया जा सकता है, यानी कि भारत अगर किसी नए विमान को बना करके तैयार करता है तब भी इस इंजन का इस्तेमाल इजिली किया जा सकता है। इस इंजन का गियर बॉक्स नए तरीके से डिजाइन किया गया है, इसका ऑप्टिमाइजेशन नए पैटर्न पर हुआ है, जिससे इसे कम स्पेस में मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट किया जा सके। इसी के साथ एक्सपर्ट्स के मुताबिक माने तो इस इंजन का इस्तेमाल शेगांदू J-10 इसी के अलावा सुखोई 30 MKI के अंदर भी आसानी से किया जा सकता है। वहीं यदि भारत के HLFT-42 के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ये विमान नए पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार किया गया है। ये भारतीय वायुसेना के लिए एक इम्पोर्टेंट विमान है और इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एडवांस ट्रेनिंग, युद्ध में किस तरीके से इसे ऑपरेट किया जाना है और तमाम तरीके के ऑपरेशंस, इसकी मदद से सेना को ट्रेनिंग दी जा सकती है और भारत के इसी विमान में UAC के इसी इंजन का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। वहीं जिस हिसाब से मॉडिफिकेशन सामने निकल के आए हैं उससे पता चलता है कि फ्यूचर में इस इंजन को इजिली कस्टमाइज किया जा सकता है, यानी कि अगर भारत किसी नए क्राफ्ट को बना करके तैयार करेगा तो उसमें भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और इसी के साथ HAL के पास ऑलरेडी ऐसी प्रोडक्शन लाइन है जहां पर ऐसे इंजन को डेवलप किया जा सकता है, तो इन फ्यूचर अगर इस इंजन की डिमांड वर्ल्ड वाइड बढ़ेगी तो डेफिनेटली भारत HAL रशिया की UAC के साथ पार्टनरशिप करके इसे भारत में लोकलाइजेशन के साथ प्रोड्यूस किया जा सकता है। फ्यूचर में इस इंजन के साथ भारत के लिए कई बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रशिया इसको लेकर के फ्यूचर में क्या एग्रीमेंट्स करते हैं। बाकी आपके हिसाब से भारत को इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो हैदराबाद बेस्ड कंपनी आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड ने रिसेंटली जापान बेस्ड मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप की है। ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया गया है और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू करीब $82.89 मिलियन यानी कि लगभग 700 करोड़ रुपए है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एडवांस गैस एंड थर्मल पावर टर्बाइन इंजन को डेवलप करना, कॉम्प्लेक्स एंड एक्यूरेट इंजीनियरिंग के साथ रोटेशनल एंड स्टेशनरी एयरफॉल्स को डेवलप करना और इन सारी चीजों में भारत की ये कंपनी काफी ज्यादा एक्सपर्ट मानी जाती है, इसीलिए इस सप्लाई को लेकर के इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये भारतीय कंपनी इस तरीके के एयरफोर्स को ऑलरेडी काफी लंबे समय से तैयार करते आ रही है, जहां पर इनका इस्तेमाल फाइटर जेट्स में किया जाता है और अलग अलग इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स में किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई रोटेशनल वाली चीजों को इजिली बैलेंस कर सकता है और इससे जनरेट होने वाले हीट को इजिली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस तरीके के कंपोनेंट्स को डेवलप करने के और जब भारतीय कंपनी जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इन चीजों को डेवलप कर रही है तो क्यों ना जापान जैसे देश भारत के इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करें, जो कि हम इजी कर देते हैं अपनी सप्लाई चेन को, इसी के साथ हमारी कॉस्ट काफी कम रहती है प्रोडक्शन के मामले में और इसीलिए
आपने देखा होगा कि दुनिया भर के कई बड़े देश भारत से हथियार खरीदने की तरफ कदम आगे बढ़ा चुके हैं। ऑलरेडी भारत 85 यानी कि 85 अलग अलग देशों को छोटे बड़े कंपोनेंट्स के साथ बड़े हथियार भी एक्सपोर्ट करता है, जिसमें ब्रह्मोस जैसे मिसाइल सिस्टम भी शामिल हैं। बाकी भारत की इस बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाकिस्तान और तुर्की से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ दिनों पहले ही रशिया में हुई ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों देशों ने रिक्वेस्ट की कि इनको भी ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए, लेकिन भारत ने वीटो करते ही इन दोनों देशों को लिस्ट से बाहर कर दिया और अब ये दोनों ही देश भारत के ऊपर बौखलाए हुए हैं। और इसलिए तुर्की इस समय पाकिस्तान की उस लेवल पर मदद कर रहा है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब तुर्की की तरफ से कई एडवांस हथियार पाकिस्तान को भेजे जा रहे हैं। कि आज के समय में इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जितना ज्यादा ताकतवर चीन होता चला जा रहा है, भारत के लिए फ्यूचर में खतरे उतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी के साथ आज पाकिस्तान भी साथ साथ ताकतवर हो रहा है। अब भले ही पाकिस्तान के पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुर्की और चीन जैसे देश प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान का और नए नए हथियार इस देश को भेजे जा रहे हैं। साथ ही तुर्की जिस इंडस्ट्री में किंग है, यानी कि दुनिया की जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसमें तुर्की को किंग बताया जाता है। खासकर मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले दुनिया के तमाम तरीके के एडवांस ड्रोन तुर्की की तरफ से तैयार किए जाते हैं और इनकी बड़ी सप्लाई सीधे सीधे पाकिस्तान को की जा रही है। इसी के साथ आज से करीब 10 साल पहले तुर्की का जो डिफेंस प्रोडक्शन था उसका 20% हिस्सा ही डोमेस्टिकली होता था, लेकिन आज करीब 80% चीजें स्वदेशी कंपनी सप्लाई कर रही हैं। और इसी के दम पर तुर्की के पास आज बड़े युद्धपोत बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। जल्द ही वो इसे डेवलप करते हुए और नए एडवांस युद्धपोत बनाने वाला है। इसी के साथ फाइटर जेट और कई फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट तैयार किए जा रहे हैं। तुर्की ने अमेरिका के F-35 जैसे फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए उसको डिकोड किया और उसे भी कुछ मॉडिफिकेशन के साथ अपना नाम देते हुए एक नया फाइटर जेट तैयार किया जा रहा है। और तुर्की ने अब इस नकल किए गए F-35 फाइटर जेट की कॉपी का ऑफर पाकिस्तान के सामने रख दिया है। साथ ही साथ TB2 नाम का हमलावर ड्रोन भी पाकिस्तान को ऑफर दिया गया है तुर्की की तरफ से। जल्द ही ये हथियार पाकिस्तान को सप्लाई किए जा सकते हैं, जो कि आगे चल के भविष्य में भारत के लिए एक बड़ी दिक्कत बन जाएंगे। अगली अपडेट चीन, भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आज भी अमेरिका और चीन के बीच में सिर्फ एक रेस चल रही है कि कौन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अब अमेरिका अपने स्थान पर ज्यों का तो बना रहना चाहता है, लेकिन चाइना भी आगे निकलने की होड़ में है और इसी इकोनॉमिक वॉर की वजह से आज ट्रंप पावर में आए और अब ट्रंप कुछ नए और बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। अभी तक चाइना से जो गुड्स डायरेक्टली अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट किए जा रहे थे उन पर 10-20% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन ट्रंप ने अपने भाषणों में इस बात की अनाउंसमेंट कर दी थी कि जो चाइना से आने वाले गुड्स हैं इनके ऊपर 60% एंड इवन कई ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। और इसका बड़ा एग्जांपल हमने ट्रंप के पूर्व कार्यकाल में देखा है, जब उन्होंने चाइना से आने वाले कई सामानों के ऊपर 25% तक ड्यूटी लगा दी थी। यानी कि यह भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम ये जो गैप आने वाला है चाइना के ऊपर लगने वाली ड्यूटी की वजह से अमेरिका के अंदर भारत इस गैप को कैसे फुलफिल करता है। ऑलरेडी मल्टीपल कंट्रीज लाइन में लगे हैं कि हम भी चाहते हैं कि सप्लाई चेन को मैनेज किया जाए, क्योंकि ये ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ चीन पर लगने वाली है। और देखने वाली चीज रहे कि भारत इस गैप को कैसे भरता है, कैसे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाते हैं। बाकी आपके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे हम इस गैप को भर पाएं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत के सही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।